नमस्कार, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम BA द्वितीय वर्ष के राजस्थान का भूगोल में जल विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा की स्थिति क्या है और क्या विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जल विद्युत उत्पादन में राजस्थान की विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के होते हुए भी स्वयं की परियोजनाओं एवं अन्य राज्यों से प्राप्त विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति हुई है। राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और ऐसे जल की आवश्यकता होती है जो कि नदियों के रूप में बहे और पहाड़ों से ऊंचाई से नीचे की ओर बहे, क्योंकि बहते हुए पानी में गतिक ऊर्जा होती है। इसीलिए जल विद्युत ऊर्जा का विकास उन्हीं क्षेत्रों में अधिक होता है जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं, साथ में वर्ष भर नदियों के द्वारा जल की आपूर्ति होती है। उससे नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और बांध बना करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान की विद्युत आपूर्ति की 39.6% जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में लगभग 40% जो विद्युत राजस्थान राज्य को प्राप्त हो रही है वो जल विद्युत से हो रही है, राजस्थान के स्वयं के जल विद्युत संयंत्रों से और अन्य राज्यों में बनाई जा रही जल विद्युत, जिसका प्रसारण राजस्थान में किया जाता है, से कुल विद्युत का 40% जो उपभोग है जनता के द्वारा, औद्योगिक इकाइयों के द्वारा, कृषि में वह जल विद्युत से किया जाता है। राजस्थान के जो जल विद्युत आपूर्ति के स्रोत हैं उनमें है प्रमुखतः चंबल नदी परियोजना। हम सभी जानते हैं कि चंबल नदी विंध्याचल पर्वतमाला में महू नामक स्थान से मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर ये राजस्थान में बहती हुई राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतरराज्य सीमा बनाती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सामूहिक योजना है और इसके अंतर्गत जो बांध बनाए गए हैं वो हैं जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। इनके बांध बनाने के साथ इन पर जल विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। जल विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया गया है, सिंचाई हेतु और पेयजल हेतु जल की उपलब्धता बनी रहे इसलिए नहरों का भी विकास किया गया है। गांधी सागर पर 23 मेगावाट के 4 और 27 मेगावाट का 1 संयंत्र है। राणा प्रताप सागर पर 4 संयंत्र हैं और जिनमें प्रत्येक की क्षमता 43 मेगावाट है। इसी प्रकार जवाहर सागर की 3 इकाइयों में प्रत्येक की क्षमता 35 मेगावाट है। इस परियोजना से राजस्थान को 1.93 लाख किलोवाट विद्युत प्राप्त होती है। तो चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर,
इनसे राजस्थान को जो विद्युत प्राप्त होती है वो है कुल 1.93 लाख किलोवाट। भाखड़ा नागल परियोजना, यह भाखड़ा नागल बांध पर स्थित है और यह बांध स्थित है राजस्थान पंजाब में, जिससे कि राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति होती है। यह मुख्यतः सतलज नदी पर बनाया गया बांध है और बांध बनाते समय जहां जल के उपभोग की और इससे उत्पादित विद्युत उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किया गया, जिससे राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तथा बीकानेर जिलों को विद्युत प्रदान की जाती है। भाखड़ा नागल योजना से राजस्थान को 168.5 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। माही विद्युत परियोजना, माही नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, कर्क रेखा को ये दो बार काटती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। बांसवाड़ा ज़िले में माही नदी पर बनाए गए बांध पर विद्युत घरों में 1984 से प्रथम विद्युत इकाई से बिजली उत्पादित की जा रही है। 1984 से दूसरे चरण में द्वितीय इकाई से 1989 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इससे 140 मेगावाट विद्युत राज्य को उपलब्ध होती है। फिर व्यास परियोजना, यह राजस्थान में पंजाब और हरियाणा की संयुक्त योजना है। इसमें चारों इकाइयां हैं तथा प्रत्येक की क्षमता 165 मेगावाट की है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त योजना है। राजस्थान इससे 408.60 मेगावाट विद्युत प्राप्त करता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वैसे तो ये मूलतः सिंचाई परियोजना है किंतु इस पर कई जल विद्युत गृह भी स्थापित किए गए हैं, जिनसे 22,000 किलोवाट विद्युत उत्पादित होती है। इनमें पूगल शाखा पर 2, सूरतगढ़ शाखा पर 2, चारण वाली योजना में 1 विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है, अनूपगढ़ शाखा पर 3 मिनी हाइडल प्लांट बनाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई हेतु बनाई गई नहर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अनुकूल स्थिति देखते हुए हाइडल प्लांट या विद्युत गृह की स्थापना की जा सकती है और वहां पर उन प्रयासों को क्रियान्वित किया जा रहा है। नर्मदा घाटी से राजस्थान को 100 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी पर बांध बना है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मुख्यतः बहती है, फिर गुजरात को पार करते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। तो वहाँ सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और उस बांध से उत्पादित होने वाली विद्युत का 100 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होता है। और ये सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिलों में उपयोग में ली जाती है। एक लघुपन विद्युत परियोजना पर भी काम किया जा रहा है जाखम नदी पर स्थापित करने हेतु। तो ये अभी हमने पढ़ा राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा के विकास के कार्य। राजस्थान में अनुकूल परिस्थितियां न होने के बावजूद भी जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं
और अन्य राज्यों से भी उत्पन्न हुई विद्युत का उपभोग किया जा रहा है।